हरे ओम अज्ञानतिमिरामुंधस्य ज्ञानांजनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। गुरवे गौरचंद्राय राधिकाय इष्टदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यः च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महाबदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरतिसे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिकाकांत श्रीराधाकांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये वृंदाय तुलसीदेव्यै प्रियाय केशवस्य स कृष्ण भक्ति प्रद देवी सत्यवतै नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद बोल हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 बोल हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे। सर्वप्रथम मेरे गुरुपाद पद्म नितलीला भ्रविष्णम विष्णुपाद अष्टोत्तर सदय श्री श्री श्रीमद भक्ति श्री रूप सिद्धांत गोस्वामी महाराज के चरण कमल में अनंत कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम करता हूँ। तत्पश्चात मेरे शिक्षा गुरुपाद पद्म नितलीला भ्रविष्णम विष्णुपाद अष्टोत्तर सदय श्री श्री श्रीमद भक्ति वेदांत श्रील नारायण गोस्वामी महाराज के चरण कमल में अनंत कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम करता हूँ। अन्य समस्त वैष्णव वैष्णवियों को यथाजोग्य प्रणाम करता हूँ। हरे कृष्णा। हम लोग श्री चैतन्य महाप्रभु का कथाओं को श्रवण कर रहे थे। कैसे श्रीमान चैतन्य महाप्रभु धीरे 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 महाप्रभु धीरे धीरे बड़े हो रहे हैं और बड़े होते होते हम लोग ने पहले श्रवण किया कैसे श्री चैतन्य महाप्रभु तब तक रोते थे जब तक उनको भगवान के नाम नहीं सुना देते थे। हैं जब जितने भले ही थपथपिला करके उनको सुला उतना जोर से महापुरुष रोते थे, लेकिन जब सब महिलाएं मिल बोल करके हरी बोल भगवान का नाम कर लेते थे महापुरुष अपने आप चुप हो जाते थे। इसमें शिक्षा किया दिया बोले तब तक संसार में रोएंगे जब तक भगवान के नाम को नहीं लेंगे। हैं लेकिन जब भगवान का नाम को कोई सहारा कर ले कहते संसार का सारे रोना तुम्हारी खत्म हो जाएगा। इसलिए बोले अच्युतानंद गोविंदम नाम उच्चारण मात्रेण नश्यन्ति सकल रोगा हैं नश्यन्ति सकल दुखा। कहते अच्युत गोविंद नाम ग्रहण करते ही क्या होता है कहते जीवन का जितने रोग दुख कष्ट जीवन का सारे अशांति जीवन का सबके सब भगवान का नाम से ही खत्म हो जाते हैं। महाप्रभु ने यह चीज को उन्होंने शिक्षा दिया है। अभी महाप्रभु हम पहले श्रवण कर रहे थे महाप्रभु कैसे सर्प को ऊपर में भी बैठे हठात एक जाति सर्प समझते हो जाति सर्प मतलब होता है एक सर्प होता है वो एकदम पीला रंग का होता है वो सर्प उसको जाति सर्प कहते हैं। हमारे कुल का सर्प है कहते वो जो सर्प है वो काटता नहीं वो सर्प नहीं काटता है क्योंकि जाति का सर्प है वो। इसलिए एक समय एक बहुत बड़ा सर्प कैसा आ गया सांप आ गया और महाप्रभु छोटे तो बच्चे थे बस महाप्रभु अपना गुठन पर चलते चलते गए और जाते ही ना उस सर्प ने अपना कुंडली बना करके गोल करके सर्प ने ऐसे बैठ गया जब बैठ गया और महाप्रभु उसके ऊपर बैठ गए
हे सब लोग देख रहे हाय हाय करने लग गए, सर्प काट नहीं दे काट नहीं दे। इतने में महाप्रभु थोड़ी समय बैठे, लेकिन उसके बाद में वो सर्प कौन था, वो अनंत देव थे, सर्प स्वयं अनंत देव जी अनंत नाग ऊपर में ठाकुर जी सहने करते हैं। वो सर्प ने अनंत देव ने दिखाए तो देख कर डर गए, उनको तो पता नहीं मैं ही मेरे ऊपर ठाकुर जी हर समय सहने करते रहते हैं। फिर धीरे 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 वो सर्प धीरे धीरे वहाँ से अंतर ध्यान हो गए। तो यहाँ पर श्री वृंदावन दास ठाकुर कहते हैं कि अगर ये कथाओं को कोई सुनेगा तो इसका लाभ क्या है। महाप्रभु जो सर्पों के ऊपर बैठे हुए, तो वहाँ पर बोले बोले काल ब्यालम मुख ग्रासम त्रास निर्नस है तवे। इसलिए भागवत का पद्म पुराण में बताए जो काल है वह के ब्याल है, ब्याल मतलब होता है सर्प। कहते जो काल रूपी जो सर्प है वो सबको ग्रास कर रहा है, धीरे 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 हमें ग्रास करते करते जा रहे हैं। काल सांप का मुंह से मुंह में कोई आ जाए ना वो बच नहीं सकता है, उसका मुंह ऐसे बना हुआ देखना जब किसको पकड़ लेता है वो बाहर निकल नहीं सकता, उसको बना हुआ मुंह ऐसे वो धीरे 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 अंदर अंदर जाता रहेगा, बना हुआ ऐसे उसका मुंह, उसका मुंह से कोई चीज़ सहज में निकाल नहीं सकते। इसलिए सांप कोई चीज़ को पकड़ता है बस चूहे हो मेढ़े को टट्र टट्र करते रह जाएगा, लेकिन अंदर में धीरे 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 अंदर में ले जाता है। कभी ये काल रूपी जो सर्प है ये सबको ग्रास कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर कहते हैं कहते यहाँ पर कहते जो विषय रूपी जो सर्प हैं भुजंग ये सबको ये काल रूपी सर्प ग्रहण कर रहा है, लेकिन किसको ग्रहण नहीं कर सकता है ये काल रूपी सर्प, किसको किसका समय को नष्ट नहीं कर सकता है। बोले तस्य रीते जम क्षणम नीत उत्तम श्लोक वार्ताया, कि जितने समय हम बैठ कर भगवान की कथा सुन रहे हैं ये काल हमारे समय को नष्ट नहीं कर पाता। इसलिए कहते काल रूपी जो भुजंग है अगर ये कथा को कोई सुनेगा कहते ये काल रूपी जो भुजंग जो सर्प है उसको ग्रास नहीं कर सकता है। इसका केवल सुनने का कहते हैं, इसका केवल सुनने का ही ये फल है, हैं। इसलिए अभी श्रीमान चैतन्य महाप्रभु कल हम लोग श्रवण कर रहे थे, उन्होंने जो रुचि परीक्षा में किसको धारण किया था, भागवत ग्रंथों को उन्होंने आलिंगन किया है, हैं। कहते भागवत ग्रंथों को उन्होंने क्यों आलिंगन किया, बोले कहते अपार संसार समुद्र से तुम भजामहे भागवत स्वरूपम। जो व्यक्ति ये भागवत को ग्रहण करेगा धारण करेगा कहते ये संसार रूपी जो समुद्र को वो आसानी से ही धीरे 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 संसार से वो पार हो जाएगा, हैं। ये भवसागर से कहते भागवत क्या है, कहते सर्व वेद इतिहासानाम सार सार समुद्रितम, समस्त वेद पुराण का ये सार सार ये भागवत अर्थयम ब्रह्म सूत्राणाम भारतार्थ विनिर्णय गायत्री भाष्य रूप असो वेदार्थ परिवर्णित। ये जो भागवत ग्रंथ है बोले अर्थ अयम ब्रह्म सूत्राणाम, ये ब्रह्म सूत्र का अर्थ है, भारतार्थ विनिर्णय जो महाभारत का ये सार है, गायत्री का भाष्य है, वेद का जो तात्पर्य ये श्रीमद् भागवत। इसलिए बोले तत् रसामृतस्य तृप्तस्य नान्यत्र स्यात् रचि क्वचित, अगर कोई जीवन में एक बार ये भागवत रस को पान कर ले ना उसको और किसी रस में उसको टेस्ट नहीं रहता है, कोई रस उसको लेने का जरूरत नहीं। रस तो बहुत आनाना रस है, और अंगूर का भी जूस है और सफेदा का भी जूस, बहुत जूस है, लेकिन तब तक दूसरे रस उसको अच्छी लगती हैं जब तक ये भागवत कथा रूपी रस को पान नहीं कर सकता है। इसको पीने के बाद सब रस उसके सामने फीकी पड़ जाती हैं। इसलिए महाप्रभु सिखा दिया अगर किसको आलिंगन करना, अगर जीवन में किस चीज़ को अगर अपनाना चाहो तो क्या करो, निगम कल्पतरुर गलितम फलम सुख मुखात अमृत द्रव संजुतम पीबत भागवतम रसमालयम। बस खूब पीते रहो भागवत रूपी रस को, खूब पीते रहो। बोले कब तक, बोले पी पी करके जब तक बेहोश नहीं हो जाते हो, फिर जब फिर उठो फिर पियो, फिर छोड़ना नहीं। इसलिए कहते मुहुरा मतलब पुनः पुनः, हैं, पुनः पुनः ये भागवत रस को पान करते करनी चाहिए। इसलिए श्री चैतन्य महाप्रभु उन्होंने ये भागवत ग्रंथ को उन्होंने आलिंगन किया। प्रभुपाद भी
यही भागवत ग्रंथों के उन्होंने भी आलिंगन किया है। अभी महाप्रभु जो छोटे बच्चे थे, क्या होता था, महाप्रभु देखने में बड़े सुंदर थे, और पहले तो नियम, अभी भी ब्रज में इधर उधर नियम है, घर में कोई भी फंक्शन होता है सबके सब ढोलकी मजरा लेकर कीर्तन करते थे। जैसे अभी भी ब्रज में वहाँ पर जब शादी शुदा कुछ भी हो ना, आप देखना सब उनका तो नीति रीति रिवाज है, शादी से कुछ दिन पहले, अभी हमारे मंदिर के सामने एक नाई रहता था, उनको घर में शादी थी, अभी मैं वहीं पर था, वो कितने दिन से ही सब माताएं बैठ करके शाम को कीर्तन करते थे। उनको एक नियम है, इतना दिन कीर्तन करनी चाहिए, जब बारात आती कीर्तन करते उनको, और कीर्तन सब भगवान के नाम के ऊपर, सब कीर्तन है, ब्रज में कोई भी चीज़ हो प्रभु का नाम से कीर्तन करते हैं। इसलिए कहते हैं ना, मंगल भवन अमंगलाहारी, पहले ये सब रीति हमारे हिंदुओं का रीति रिवाज था, हर चीज़ भगवान के नाम से शुरू होता था, इसलिए जीवन है ना बड़ा आनंदपूर्वक जाता था, पति पत्नी मिल कर रहते थे, झगड़ा नहीं होता था, जीवन बीत जाता था। लेकिन अभी जितने फैशन और जितने मॉडल आ गया ना, जितने देखोगे ज़्यादा लिखे पड़े, सब उल्टा पुल्टा शराब भराब डिस्को डांस और उल्टा पुल्टा नाचना, म्यूजिक चला करके गंदी गंदी फिल्म को ऊपर, इसलिए कुछ दिन बाद में फिर डाइवर्स हो जाती हैं, फिर लड़ाई झगड़ा करते हैं और कहते हैं मैं अपना गांव में देखा, शादी कितना दिन तक होते जानते, 7 दिन तक शादी, 7 दिन तक होती थी हमारे गाँव में। क्या होता था, पहला दिन तो शादी हो गया, कोई मंदिर को जाए नहीं, शादी में किसी मंदिर से ही शादी जरूर होनी चाहिए, मंदिर से पहला दिन तो शादी हो गया, फिर उसको बाद में वो 7 दिन शादी होती थी, पति पत्नी बैठेंगे, कोई ब्राह्मण आएगा मंत्र उच्चारण करेगा, उसमें बहुत सारे नियम हैं, है 7 दिन तक उनकी शादी होगा, 7 दिन तक मतलब रोज़ रोज़ पति पत्नी बैठेंगे मंत्र उच्चारण करेगा, इसलिए ये पहले का सब नियम होता था, हैं, और पहले भी नियम होता था बाल विवाह बचपन से ही, ज़्यादा लड़की को ज़्यादा उम्र तक नहीं रखते थे, लड़कों को भी नहीं रखते थे। हमने गांव में जो देखा तो हम जब अगर किसी दोनों मित्रों के अंदर बहुत प्रीति है ना, अगर इसका एक बेटा हो उसका बेटी हो, बोल देते तेरे बेटे को साथ में मेरी बेटी की हम शादी कराएंगे, और उन्होंने बड़े जो बड़े होते थे, क्योंकि मित्र है ना और ज़िंदगी भर समझी लग जाती है, और बच्चपन से क्या होता था, बच्चों के दिमाग में क्या बैठ जाता था, ये मेरी पत्नी ये मेरे पति है, फिर वो लड़की इधर उधर नहीं जाता था, लड़का भी इधर उधर नहीं जाता था, मुंह नहीं मारते थे इधर उधर, हैं, इसलिए मुंह नहीं मारते थे क्योंकि दिल में बैठ जाता है ये मेरे पति पत्नी, और ज़िंदगी भर पति पत्नी। लेकिन अभी क्या हो रहा है, ये विदेशी कल्चर आ रहा है, विदेशी कल्चर आ रहा है, विदेशी कल्चर में पता नहीं कितने को बदला रहे हैं, विदेशी लड़कियाँ हमारे आते हैं ना मंदिर में, पूछते हैं आप लोगों का शादी कितना साल से, हमारे भारत में तो एक बार शादी होता है, बोले 25 साल से, बोले तुमने बोले 30 साल से, बोले अभी तक बोर नहीं हुए हो, समझ रहे ना, अभी तक तुम्हारी एक पति पत्नी इतना दिन तक रह रहे, अभी तक तुमको बोर नहीं हुआ, मतलब उनको आश्चर्य लगता है, इनका आश्चर्य लगता है इतना साल तक रह रहे कैसे, उनको देश में ऐसे नहीं कुछ बात हो गया, जा तू जा मैं जा रही हूँ, हैं, कहीं कहीं होटल में खाना खाएंगे ना, वो एक व्यक्ति पैसा नहीं देगा, उसका लड़की का पैसा अलग देगा, लड़के का पैसा अलग देगा, एक साथ में नहीं देंगे पैसा आपको, हैं, और वो सद्गुरु है ना, उनको किसी ने प्रश्न किया है, ये कहते ये कि आप भारत में जो शादी होती थी सही ना विदेश में, तो एक उन्होंने उदाहरण दिया, नेट में परिचय हो गया, हो करके कितना उम्र पत्नी की, 50 साल की हो गई, और ये भी हो गया 55 साल का, नहीं तो हो गया, अभी कैसे शादी होगी, बोले तुम वो होटल में आ जाना, मैं भी होटल में आ जाऊंगा, और 10-15 मिनट में बैठ कर बात करेंगे ये जीवन का संगी बनेगा कि नहीं, वो उदाहरण देते हैं, दोनों अगर सलीड पत्थर अगर एक साथ में मिल जाए कभी शादी हो सकता है, 10-15 मिनट में जीवन का तय होता है, तुम मेरे दोस्त बनोगे साथी बनोगे, कभी हो सकता है, नहीं हो सकता है, इसलिए पता नहीं कितने पकड़ते हैं और कितने को छोड़ते हैं, कितने पकड़ते हैं कितने छोड़ते हैं, इसलिए यहाँ पर चैतन्य भागवत में कह रहे हैं, वहाँ पर कुछ माताएं नवद्वीप में सबके सब बैठ करके, पहले तो यही था हर चीज़ प्रभु का कीर्तन होता था, कीर्तन होता था सब भगवत का नाम, अभी महाप्रभु तो देखने में बड़े सुंदर थे,
जब सुंदर थे, जब जिस घर में जाए महाप्रभु रूप देकर सब मुग्ध हो। अब विशेषकर बच्चों को सब प्यार करते हैं, और साक्षात भगवान वे सबके सब उनको लड्डू देते थे, मिठाई। बंगाल में संदेश गए कि नहीं? बंगाल में वो संदेश है, हाँ वो बहुत टेस्टी हो संदेश ना बंगाल का, वो टेस्टी अलग, इधर नहीं बन सकता है, हैं वो अलग ही, बनाने का तरीका ही अलग, बड़ा टेस्टी है। वहाँ के रसगुल्ला भी खाकर देखना कितना टेस्टी है, हैं छेना पर बहुत बहुत टेस्टी उधर का मिठाई। अभी महाप्रभु जिस घर में जाते थे महाप्रभु को सब मिठाई देते थे, हैं सबके सब मिठाई देते थे, लेकिन महाप्रभु नहीं खाते थे, वो मिठाई की रख लेते थे। बोले किसको देते थे? बोले जहाँ पर माताएँ बैठ करके सब कीर्तन करते थे महाप्रभु वहाँ चले जाते थे। जब चले जाते थे तब माताएँ पूछती थी, निमाई तू किस लिए आया? तब महाप्रभु बोल, तुम लोग मेरे को बुला रहे थे ना अभी। बोले तेरे को बुलाए? बोले अभी तो बुला रही थी। मतलब क्या? जो कीर्तन है ये कीर्तन मतलब होता है ठाकुर को बुलाना। कहते ना आज मेरे अंगना में आयो नंदलाल, आयो गोपाल दर्शन के प्यासी गुजरिया श्याम। इसलिए भगवान स्वयं कहते हैं, मत भक्ता जत्र गायंती तत्र तिष्ठामि नारद। हे नारद, मैं वहीं रहता हूँ जहाँ पर मेरे भक्त जन मेरे कीर्तन करते, मैं वहीं रहता हूँ। कीर्तन मतलब भगवान को बुलाना। और महाप्रभु जाकर क्या करते थे? वो जो मिठाई संदेश होता था पहला मिठाई भक्तों को देते थे, उनको देते थे। मतलब महाप्रभु शिक्षा देते, देखो जो मेरे कीर्तन करेगा ना, मेरे जो भजन करेगा, मैं उसको खूब मिठाई खिलाऊंगा। वास्तव में सही है, हम लोग जिन जिन घर में जाते हैं ना, ए कितना मिठाई हैं, मिठाई फल एकदम भर जाते हैं, हैं तरह तरह का मिठाई खाने के लिए देते हैं। जिस घर में जाओ उस घर में केले मिठाई संदेश है भर देते। इसलिए महापुरुष स्वयं कहते ना, मेरा जो भजन करेगा खूब जीवन में उसको मैं मिठाई खिलाऊँगा, हैं मिठाई खिलाऊँगा। और भगवान कहते जो मेरे भजन करेगा, भगवान कहते हैं ना, अन्य चिंतनत माम यजना पर जुपासते तेसांग नित्याभिजुक्ता नाम जुगाख्यम बहामि अहम। कृष्ण स्वयं को दायित्व लेते हैं, जो अनन्य रूप में मेरे भजन करेगा उसको घर में जो चीज़ नहीं होगा सर पर रख करके मैं पहुँचाऊँगा। घर में जो चीज़ होगा मैं स्वयं उसको चौकीदारी बनकर रखवाली करूँगा। भगवान इतने दूर तक उन्होंने प्रतिज्ञा ठाकुर जी करते हैं, हैं इसलिए महाप्रभु बड़े सुंदर सुंदर हैं, सुंदर सुंदर प्रभु जी लीला कर रहे हैं, रहने इच्छाए। इसलिए चार मास श्रुति का गृह यहाँ पर कह रहे हैं, पहले पहले जो नियम होता था बालक उत्थान, मतलब जन्म लेने का बाद हमारे देश, मैंने देखा है एक इंतुड़ी साल होती थी जहाँ पर बच्चा जन्म लेता है उसी घर में कंडा को जला करके बच्चों को सिकाई करना। 21 दिन तक अपवित्र रहते थे घर में भी, 21 दिन तक वो बच्चे को बाहर नहीं निकालते थे, उसी घर में ही रहते थे। उसकी जो माँ रहती थी कंडा जला करके वहीं पर सिकाई करते थे 21 दिन तक, हैं उसको अशुद्धि 21 दिन तक होता था, उसको बाद में फिर उत्थान होता था, हमने जो देखा है। यहाँ पर कह रहे हैं, कहते यहाँ पर कहते पहले तो कह रहे हैं 4 महीना तक सुति का गृह में रहते थे, 4 महीने, 4 महीने, 4 महीना तक सुति का गृह में रहते थे, हैं इसलिए कृष्ण को हृदय से क्षेत्र में निर्मल भक्ति कृष्ण से अभिवर्धित होना। इसलिए हाँ, इसलिए फिर 4 महीने, उसको बाद में बच्चा जब उठ घर से निकलता है, हैं उसको बाद में सब लोग घर के कृष्ण कीर्तन करते थे। फिर वहाँ पर उसको बाद में फिर इनकी नामकरण संस्कार होता था महाप्रभु का, जैसे कृष्ण का नामकरण हुई ना, गर्गाचार्य आए, और वो गर्गाचार्य तो साधारण है नहीं, वो तो त्रिकाल दृष्टा, उनने उनका जन्म पत्रियों को देखा, कौन सा समय में वो बच्चा जन्म हुआ, कौन सा ग्रह, कौन सा नक्षत्र, सब कुछ उसी उस हमारे भारत में जो नाम रखते थे उसी तरह का नाम रखते हैं ना। हमारे देश में जो कुछ होता है ना, बोले साइंटिफिकल, सबके सब साइंस ही है। इसलिए ज्योतिष को बुलाते हैं ना नामकरण करने के लिए, कौन सा नक्षत्र, उसको एक अक्षर निकालता है, वो अक्षर को रख करके कोई नाम रखते हैं। क्यों? जब वो समय के अनुरूप जब वो कोई अक्षर है, वो नाम से जब बच्चे को बुलाते हैं, और नाम कैसे रखते हैं, ऐसे नहीं टुल्लू बुल्लू टिंकी फिंकी रिंकी झिंकी नहीं रख लेते हैं। कोई भक्त नहीं तो भगवान, कोई भक्त नहीं तो भगवान का नाम रखते थे, और वो ग्रह को साथ में बच्चा जुड़ा हुआ रहता था, वो नाम का बड़ा प्रभाव पड़ता था वो बच्चे के ऊपर में। एक तो भगवान का कोई भक्त का नाम को बारम्बार बुलाओ,
उससे तो कल्याण है ही है, लेकिन वो समय का अनुरूप जो होता था। इसलिए हमारे भारत में क्या होता है, शादी से पहले जन्म पत्र मिलाते हैं। कितना कोई लड़की मांगली फांगली जो बोलते हैं ना, उनका पता कैसे चलता है? और वैसे ही बेटा ढूंढते हैं, वैसे ही बेटी ढूंढते हैं, हैं वैसे बेटी, फिर वो जन्म पत्र दिखाते हैं, बोले जन्म पत्र को भी दिखाते हैं, क्योंकि वो बेटी जिस ग्रह नक्षत्र को लेकर जन्म हुआ बेटा, वो ग्रह नक्षत्र को जोड़ करके अगर शादी करवाते हैं फिर क्या होता था, शादी जिंदगी भर टिकती थी, दोनों पति पत्नी जिंदगी भर आनंद से बीत जाता था। लेकिन अभी क्यों नहीं बीत रहे, लव मैरिज करते हैं, आई लव यू, फिर आई लीव यू, फिर आई की लीव, फिर जाकर कोर्ट में बास लाइन, फिर डिवोर्स के लिए कोर्ट में, क्यों सब हो रहे? कारण है शास्त्र का जो विधि विधान जो हमारे ऋषि मुनियों ने दिया है उसको हम पालन नहीं कर रहे हैं। इसलिए इस सब गड़बड़ी जितने इसी कारण से गड़बड़ी है। इसलिए यहाँ पर कह रहे हैं अभी नीलांबर चक्रवर्ती, नीलांबर चक्रवर्ती कौन है, कहते श्री चैतन्य महाप्रभु का जो माँ की जो पिताजी, सच्ची माँ की जो पिताजी, बड़े ज्योतिष ब्राह्मण घर में तो ये है ही है, हैं संस्कारी ब्राह्मण घर में संस्कारी लोग जन्म लेते, फिर बड़े ज्योतिष बड़ा विद्वान है, फिर उन्होंने महाप्रभु का अलग अलग सब नाम रखा, एक नाम रखा तो निमाई नाम रखा। बोले निमाई नाम क्यों रखे, कहते माताओं ने मिल करके निमाई नाम रखे। बोले निमाई नाम क्यों रखे, बोले महाप्रभु जन्म होने से पहले हैं उनका 8 लड़कियां उनकी शरीर छोड़ चुके हैं, इसलिए बोले भैया ऐसे एक कड़ुआ नाम रख दो जैसे जम छुएगा नहीं। पहले पहले ऐसे होता था हैं, कोई कड़ुआ नाम रख दो उसका नाम लेते उसका मुँह में कड़ुआ बना जाएगा, इसलिए छुएगा नहीं। और दूसरा कारण था नीम वृक्ष को नीचे महाप्रभु जन्म हुए इसलिए नाम रखा निमाई नाम रखा। लेकिन और इनका एक नाम रखा विश्वम्भर, विश्वम्भर नाम रखा क्यों, बोले कारण ही वो महाप्रभु जन्म होते ही क्या हुआ, संपूर्ण नवद्वीप धाम पेड़ पौधा लता पता फल फूल से एकदम भर गया। क्यों, ठाकुर जी आ रहे हैं ना, भगवान आ रहे हैं, इसलिए आने पर इसने क्या किया, संपूर्ण पृथ्वी अपना प्रभु के लिए स्वागत करने के लिए ठाकुर जी आ रहे हैं। जैसे कृष्ण आने से पहले कहते जयति ते धिकम जन्मना ब्रज श्रयत इंदिरा, जैसे पूरा लक्ष्मी की क्रीड़ा भूमि बन गई, महाप्रभु आने से पहले पूरा पृथ्वी सज धज गई, मेरे प्रभु आ रहे हैं। इसलिए विश्वों को जो भरण पोषण करते हैं इसलिए इनका नाम भरण पोषण, खिला पिला कर, एक अर्थ है। बोले दूसरा अर्थ क्या है, बोले जब जब ये पृथ्वी पर विपत्ति आता है, भगवान कहते ना जदा जदा ही धर्म से ग्लानिर्भवति भारत अद्भुतान मधर्म से तदात्मान सृजाम हम, और परित्राणाय साधुनाम विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामी जुगे जुगे। इसलिए भगवान युग युग में अवतीर्ण होकर क्या करते हैं, दुष्टों को विनाश करते हैं, अपना भक्तों को भरण पोषण करते हैं, पालन करते हैं। इसलिए इनका एक नाम रखा विश्वम्भर, मतलब विश्वों को प्रे, विश्वों को जो भरण पोषण करने वाले। लेकिन वास्तविक रूप में इनका नाम विश्वम्भर क्यों, कहते इसलिए इनका नाम विश्वम्भर नाम पड़ा, कहते विश्व को भक्ति को द्वारा, कृष्ण प्रेम को द्वारा, कृष्ण नाम को द्वारा जो विश्व को भरण पोषण करते हैं, इसलिए इनका नाम रख दिया विश्वम्भर। उनका नाम विश्वम्भर नाम रखा उन्होंने, हैं कहते अभी महाप्रभु अभी थोड़ी सी बड़े जब हुए, थोड़ी महाप्रभु चलते हैं घर में, जैसे छोटा बच्चा है ना जब गिरते उठते गिरते पड़ते पड़ते से चलते हैं, महाप्रभु जब थोड़ी सी बड़े हुए अभी महाप्रभु अपना घर में चलना फिरना शुरू किया। जब चलना फिरना शुरू किया सब घर देखे अपरूप पद चिन्ह ध्वज वज्र अंकुश पतगा दिभिरना भिरना, महाप्रभु चरण में कितना चिन्ह है, भगवान के चरण में 19 चिन्ह है। जब महाप्रभु घर में चलते थे, चलने पर महाप्रभु चलने पर उनका जो प्यार का सब छाप पड़ता था, सुंदर सुंदर शंख चक्र ध्वज वज्र अंकुश सुंदर सुंदर पड़ता। और कभी कभी क्या होता था, महाप्रभु जब चलते थे उनका महाप्रभु का चरण में नुपुर का आवाज़ होता था, छम 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 छम, तब जगन्नाथ मिश्र सची माँ सुनते थे, बोले अरे इतने सुंदर नुपुर का आवाज़ कहाँ से आता है, इतने सुंदर नुपुर का आवाज़ कहाँ से आता है, बोले देखो लगता है हमारे घर में
जो सालग्राम है ना, हैं, जो सालग्राम है, लगता है ये सालग्राम घर में घूमता है, हैं, सालग्राम, हैं, सालग्राम लगता है ये सालग्राम घर में घूमता है। इसलिए जब इस चीज़ को और चरण चिन्ह जब देखते हैं, जगन्नाथ मिश्र कहते देखो सच्ची लगता है और हमारी जन्म मृत्यु नहीं होगी और संसार में जन्म नहीं होगा। देखो ठाकुर जी घर में घूमते हैं सालग्राम, देखो उनका चरण सुंदर सुंदर, लेकिन चरण चिन्ह किसका था, महाप्रभु का चरण चिन्ह, लगता है और हमारी जन्म नहीं होगा। ठाकुर का चरण चिन्ह दर्शन हो गया ना, बस जन्म मृत्यु से हमारी बंधन से मुक्त हो जाएगा। तब महाप्रभु कहते थे, बोले मिश्र बोले सुन विश्व रूपेर जननी घृत परमार्न रांध आपनी। हाँ, यहाँ पर क्या कह रहे हैं, पहले क्या होता था, पत्नी का नाम पति नहीं लेता था, पति का नाम पत्नी नहीं लेता था, लेता था, हमारे देश में पत्नी पति का नाम लेता है, अब पत्नी भी पति का नाम, पति भी पत्नी, दोनों को दोनों का नाम नहीं लेते थे। हाँ, जो बड़ा बेटा था होता था ना, उसका नाम को लेकर के देखो क्या कहते हैं, यहाँ पर क्या कह रहे हैं जगन्नाथ मिश्र बोले सुनो विश्व रूपेर जननी, इनका सबसे बड़ा बेटा का नाम विश्व, विश्वरूप, बोले विश्वरूप की माँ हैं, और वो जो पत्नी जब बोलती थी अमुक के बाप, उनका जो बेटे का बाप बोल करके नाम नहीं लेते थे हमारे देश में, लेकिन अभी क्या हो गया, पति पति का नाम सीधा लेते हैं और पत्नी का नाम सीधा ले लेते हैं, लेकिन ये हमारे भारत का रिवाज नहीं, अपना पति पत्नी दोनों का नाम नहीं लेते थे। इसलिए कोई एक माता थी, उसका पति का नाम था कृष्णा, कृष्ण तो जब बाबा बोले 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 हरे कृष्ण, वो बोले ही नहीं, बोले हरे, बोले कृष्ण बोल, बोले बोलता नहीं, बोले क्यों, बोले उनका नाम है, बोले उनका नाम है, हैं, बोले उनका नाम कृष्ण, उनका नाम, इसलिए मैं नहीं बोली, बोले देखो ये भगवान का निर्देश है, कहते ना बड़े व्यक्ति का परम पति का बड़े व्यक्ति का नाम नहीं लेते हैं, हैं, लेकिन अभी भगवान भी तो हमारा परम पति, फिर हम भगवान का नाम फिर क्यों ले रहे हैं, वो तो हमारे असली पति है, फिर कहती भगवान का निर्देश है, ये ठाकुर ने ही आदेश दिया है, हैं, महाप्रभु बोले ना हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, कहते प्रभु बोले कहिलाम यही महामंत्र और यह जप गया सबे करिया निर्बंध, यह है ते सर्व सिद्धि है वे सवार सर्व क्षण बोले इथे विधि नहीं। यार महाप्रभु का आदेश है, मैंने तुमको ये नाम दिया है, ये नाम को हर समय में ये नाम को जपा करो, इसी नाम से ही जीवन में सर्वसिद्धि, सर्वसिद्धि मतलब क्या, जीवन में सब कुछ तुमको मिलेगा और भगवत प्रेम भगवत प्राप्ति इसी कृष्ण, ये भगवान का ही आदेश है, इसलिए प्रभु का आदेश को लेकर के उनका नाम को हम ग्रहण कर रहे हैं। इसलिए कहते देखो सच्ची माँ की हैं विश्वभर की मैया, एक काम करो आज पर खीर बनाओ और खीर में घी डाल करके, खीर में प्योर घी और उसमें मिश्री डाल कर सुंदर खीर बनाओ, क्योंकि लगता है आज सालक रहा घर में आज चल रहा है सुंदर चरण की नुपुर की झंकार और चरण चिन्ह और आज ठाकुर को खीर भोग लगाएंगे। पहले होता ना कोई विशेष दिन में खीर बनता था, हर समय खीर नहीं बनाते, विशेष विशेष दिन में खीर बनाया करते थे, और हमारे मंदिर में तो रोज़ रोज़ खीर, रोज़ खीर है मंदिर में ठाकुर का है ना। हाँ, इसलिए उन्होंने कहते हैं, हाँ इसलिए उन्होंने उनको बड़े सुंदर खीर बना कर ठाकुर जी को उन्होंने भोग लगाए। हाँ, कहते उसको बाद में हम लोगों ने श्रवण, कल श्रवण किया था, क्या श्रवण किया था, कैसे तैथिक विवर सुबह बोला ना, तैथिक विवर कैसे आए और महाप्रभु कैसे उनको दर्शन दिया है, हैं, और महाप्रभु दर्शन दे करके बोले देखो पूर्व जन्म में जो गोपाल रूप में जन्म लिया नंद बाबा के घर में तभी तुम आया था, तभी तुम भी हमारे घर में नंद बाबा का घर में आया था तुमने, उसी समय भी तुमने मेरे को दर्शन दिया है, और मैं वही कृष्णा भी किस रूप में आया हूँ, सचिनंदन गौरव हरि बन करके आया हूँ। इसलिए उन्होंने उनको अष्टभुजा रूप में दर्शन दिया, कितना भुजा रूप में, क्या क्या था, एक में कमंडल था और एक हो गया था। हाँ, इसलिए कहते कमंडल था नहीं, महाप्रभु जब सार्वभौम भट्टाचार्य को षडभुज रूप में दर्शन दिया तब भी दंड कमंडल था, लेकिन इसी समय में शंख चक्र
गदा, पद्म और एक हाथ में माखन, एक हाथ में खा रहे थे और दोनों हाथ में बंसुरी बजा रहे थे। इसलिए अष्टभुज रूप में उन्होंने दर्शन दिया। जब उन्होंने दर्शन दिया तब उन्होंने उनको दिव्य वृंदावन दर्शन करवाया। बोले तुम क्यों चिल्ला रहे हो, तुम बारंबार मेरे को तो मंत्र जब जप करते हो, गोपाल मंत्र में ठाकुर को भोग लगाते हैं ना, हैं गोपाल मंत्र से ठाकुर को भोग लगाते हैं, गोपाल में तुम्हें तो वही गोपाल, और तुम मेरे को बुलाते हो, जब आता हो तो चिल्लाते रहते हो। बोले फिर तू कौन हो। फिर उन्होंने अष्टभुज रूप में दर्शन दिया और उन्होंने क्या दर्शन दिया है देखो, यहाँ पर वर्णना करते हैं। बोले सही क्षण देखे विप्र परम अद्भुत शंख चक्र गदा पद्म अष्टभुज रूप अपूर्व कदम वृक्ष देखे सही खाने वृंदावन देख नाद करे पक्षी गणे। दिव्य वृंदावन दर्शन करा दिया, सुंदर कदम वृक्ष है। फिर वृंदावन में क्या कर रहे देख रहे, बड़े सुंदर कोयल कैसे कुहक रहे, मयूर कैसे के का कर रहे हैं। बोले गोप गोपिका भी गण चतुर्दिग देखे जहाँ ध्यान करता है देखे परते के। फिर कैसे कृष्ण संपूर्ण वृंदावन में गोप ग्वाल कैसे कृष्ण गैया चरा रहे हैं और चारों तरफ पे सुंदर वृंदावन धाम है। बोले ब्रह्मा दिजे प्रेम भक्ति जोगे बांछा करे ताहा बिलाई भू सर्व प्रति घरे घरे। महाप्रभु बोले ब्रह्मा शिव जिस प्रेम के लिए बड़े कठोर तपस्या करते वो प्रेम को मैं घर घर में वो प्रेम को मैं प्रदान करूँगा। इसलिए संकीर्तन आरंभे अमार अवतार कराइब सर्वदेशे कीर्तन प्रचार। बोले ये कलयुग में इसलिए मैं आया हूँ संकीर्तन धर्म को जगत में प्रचार करने के लिए, और उन्हें देश देश में मैंने ये कीर्तन करके सारा दुनिया को कृष्ण प्रेम में बहा दूंगा। महाप्रभु ने सब कुछ उन्होंने उनको दर्शन कराया। बोले देख एक बात कहता हूँ, मैंने तुमको ये जो अष्टभुज दर्शन कराया क्योंकि ये मेरे जो अवतार ये प्रच्छन्न अवतार है। प्रच्छन्न मतलब छुप करके भगवान, छुपा करके भगवान इस अवतार में आए हैं, इसलिए प्रच्छन्न अवतार छुपा हुआ अवतार, ये बात किसको बोलना नहीं। फिर उन्होंने केशव काश्मीक को भी सरस्वती स्वयं बताया ये मेरे पति है, महाप्रभु उनको ही बोले खबरदार बोलना नहीं। सार्वभौम भट्टाचार्य को भी दर्शन कराए सर्वज रूप में, लेकिन महाप्रभु सबको मना किया है ये बात किसको नहीं बोलना, बोलोगे तो चक्र दगर काट डालूंगा। देखो भगवान स्वयं जो है वो साक्षात भगवान वो रूप दर्शन करा के मना कर रहे हैं, मेरे नाम को नहीं लेना, बोलना नहीं जब तक ये संसार में हूँ। लेकिन अभी देखो कलयुग, कलयुग कैसे आ गया, बस अभी सबके सब भगवान बनने से हो गए, राम रवि भगवान कह रहे आसाराम भी मयूर लगा देता है, और हमारे उड़ीसा में एक भगवान निकल गया सब जेल में, सारे जितने सब भगवान हुए ना सब जेल में बैठे जिनका नाम लेने से जीव भाव बंधने से दूर हो जाते हैं, अब सबके सब ये जेल में बैठे हुए हैं। इसलिए भगवान कभी भी अपना को भगवान नहीं कह रहे हैं, नहीं कह रहे। एक समय जब जगन्नाथपुरी में भक्त लोग थे, हैं जगन्नाथपुरी में भक्त लोग थे, रोज भक्त लोग महाप्रभु को दर्शन करने जाते थे गंभीरा में पुरी में। एक दिन भक्त लोगों ने श्रीवास पंडित अद्वैत आदि भक्त बोले देखो रोज तो हम हरे कृष्ण नाम लेते हैं, आज सचिनंदन गौर हरि की जय, सचिनंदन गौर महाप्रभु का नाम को लेकर के जाएंगे। इतने में जितने सारे भक्त लोग थे ना बोले श्री सचिनंदन गौर हरि की, बोले श्री चैतन्य महाप्रभु की जय, सबके सब सचिनंदन गौर हरि महाप्रभु का नाम लेकर के सारे भक्त गंभीरा में पहुंच गए प्रणाम किए। तब महाप्रभु चुप हो गए, बोले आज क्या हो रहा है, रोज तो ये हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, रोज तो ये हरे कृष्ण नाम लेते, आज ये सब की कौन सा, ये कौन सा नाम ले रहे हो। इतने में श्रीवास पंडित ने कहा प्रभु जैसे आकाश में सूरज उदय हो गया, अगर कोई बोले अपना हाथ दे करके सूरज को ढक लूँगा छुपा लूँगा, क्या हाथ से सूरज ढक सकती हैं। बोले नहीं, बोले उसी तरह आपको कोई ढक सकते हैं। इतने में उड्र देश बांग्ला और अलग अलग देश हजार हजार लोग पता नहीं उस समय कहाँ से आ गए,
हे सचिनंदन गौर हरि की जय जय करते करते आ रहे। बोले प्रभु अब इनको बंद करो, अब हमें बंद कर रहे हो, अब इनको बंद करो, आओ हैं इनको भी बंद करो। इसलिए यहाँ पर महाप्रभु ना कभी महाप्रभु बोले नहीं मेरा नाम कभी नहीं बोले। महाप्रभु हर समय कह रहे हैं यह जप गया सबे करिया निर्बंध, ये हरे कृष्ण महामंत्र मैंने तुमको दिया है, ये हरे कृष्ण महामंत्र को ही जप करो। क्यों? कलिजू का जो युग धर्म क्या है, ये हरे कृष्ण महामंत्र। इसलिए स्वयं शंकर जी पार्वती को कहते क्या कहते हैं, बोलते इति स्वरसक नामनम, इस श्लोक को याद कर लो। क्योंकि तथाकथित तो कुछ लोग आकर के वो अपना मनमानी ढंग से मंत्र निकाल देते हैं, अपना मनमानी ढंग से जैसे जिसको इच्छा होता है ना ऐसे एक अलग मंत्र निकाल देता है, और ये अलग मंत्र को निकाल करके बस उसी मंत्र को बोलना शुरू कर देता। बोले नहीं, हमें शास्त्र में जो हरिनाम लिया गया है हैं, जैसे कलि संतरण उपनिषद में जो बताया गया, नारदीय पुराण में हमारे गुरुदेव जो ग्रंथ निकाले ना, कितने ग्रंथों से उन्होंने उद्धृत करते हुए ये महामंत्र को, कौन सा ग्रंथ में कलयुग में ये महामंत्र को लेने के लिए कौन सा, चार जू का चार मंत्र है, सत्यजू का अलग मंत्र है, नारायण पराबेदा, नारायण परामोक्षा, नारायण परागति, नारायण परामुक्ति, सत्यजू का ये मंत्र है, ये कलयुग का मंत्र नहीं। तृतीयजू का मंत्र अलग है, हरि मुरारी मधुकैट भारी गोपाल गोविंद मुकुंद सौरी जग्गेश नारायण कृष्ण विष्णु निराश्रय माम जगदीश रक्ष। पुराण में पहले बताया ये द्वापर जू का, ये सत्य जू का है, ऑलरेडी बताया इसी से युग में ये मंत्र है, लेकिन कलयुग के लिए बताया इति षोडशक नामनम। शंकर जी कहते पार्वती ये 16 नाम 32 अक्षर ही जीव का कल्याण करेगा। बोले ना तो पर तो उपाय, और कोई उपाय नहीं है, ये शंकर जी स्वयं कह रहे हैं पार्वती को। इसलिए कलयुग में कौन सा मंत्र है, ये हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ये कलयुग का यही कलयुग का महामंत्र है। इसको द्वारा ही जीव को ब्रज प्रेम की भगवत चरण की इसी मंत्र को द्वारा प्राप्त होगा। महाप्रभु जब ये हरिनाम करते करते नृत्य करते थे रोते थे, तो महाप्रभु को पूछे बोले तुम ये क्या कर रहे हो, नाम को लेकर कभी हंस रहे हो कभी रो रहे हो, क्यों कर रहे हो? बोले गुरु मेरे मूर्ख देखी करिले शासन। गुरुदेव बोले तुम मूर्ख हो, तुम्हारे वेदांत ना ही अधिकार है, वेद बड़ा वेदांत बहुत कठिन, जरूरत नहीं पढ़ने का, तुम्हारे इसमें अधिकार नहीं। बोले कृष्ण नाम मंत्र जब यही मंत्र सार कि जो हरे कृष्ण महामंत्र दे रहे हो इसको ही जप करो। कहते गुरु जी की आज्ञा को मैंने सर धार्य कर अपना सर पर रख करके पालन करते हुए मैंने यही नाम को मैंने कीर्तन किया, और कीर्तन करते 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 एक दिन पता नहीं मेरा मन तो पागल हो गया। और जब जब मैं कीर्तन करता हूँ ना, देखता हूँ वृंदावन बड़े सुंदर जमुना कलकल नाद से बह रही है, बड़े सुंदर कदम वृक्ष है, और उसको नीचे कृष्ण खड़े होकर के बंसरी बजाते हुए देखता हूँ, और मेरे को बुलाता है, और मैं भागता हूँ पकड़ने के लिए, जब पकड़ने जाता हूँ देखता है फिर और जगह पर खड़े होकर मेरे को बुलाता है। इसलिए जब जब मैं हरिनाम करता हूँ तब तक वृंदावन में मैंने कदम वृक्षों के नीचे कृष्ण को बंसरी बजाते हुए देखता हूँ। इसलिए कभी उनका रूप को देखकर हंसता हूँ, कभी रोता हूँ, कभी लोट पोट खाता हूँ। बोले तब वो कहते हैं यही यही ही हरिनाम का यही फल यही है, यही हरिनाम का फल है कृष्ण दर्शन। इसलिए ये कृष्ण नाम दर्शन से ही करने पर ही इसको द्वारा ही भगवत प्राप्ति होगा है, और किसको द्वारा भगवत प्राप्ति नहीं। ये कौन कह रहे, ये शंकर जी पार्वती को ये बात कह रहे हैं, ये पार्वती को ये बात कह रहे। इसलिए हमें दृढ़ता पूर्वक क्या करनी चाहिए, ठाकुर जी के नाम को हमें जप करनी चाहिए। ठीक है, बोले हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। बोले श्री सच्चिदानंद गौर हरि की, बोले श्री नित्यानंद प्रभु की, हिताई गौर ब्रह्मानंदे हरे हरे। हाँ देखो ए बच्चों, तुम इधर आ, तुम दोनों इधर आ, तुम भी इधर आ, तुम भी आते हो, ये किसका बेटा है
तुम्हारे आ जाओ इधर आ जाओ। हाँ सब ठीक ठाक है, पढ़ाई तो खत्म हो गया अभी, तुमको तो शादी वादी करना नहीं, शादी करना कि नहीं, नहीं करना है ना, और तुमको भी शादी करना है। हरे कृष्ण, देख इसको इसको बंद कर दिया ना। हाँ हाँ।